अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मुस्कान फूड फ्यूजन। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम भी ठीक है। सो गाइस, काफ़ी व्यूवर्स की फरमाइश है कि आप अपना होम टूर व्लॉग बनाओ। तो गाइस, आज मैंने सोचा कि मैं आज होम टूर का व्लॉग बनाऊंगी। तो गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना। चलिए हम आपको अपना होम टूर दिखाएंगे। तो गाइस, आप हमारा होम देख सकते हो। अब हम जाएंगे होम की तरफ। हमारे होम की एंट्री दो साइड से होती है, एक इस साइड से और उस साइड से। अब हम जाएंगे उस साइड से। आप देख सकते हो, ये है हमारी लॉबी। ये बहुत ही बड़ी है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो गाइस, अब आगे का टूर मम्मा देगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू तुम साइंस चैनल पर हिमकनाश मुस्कान फूड फ्यूजन। जैसे महनूर ने कहा है, बहुत सारे व्यूवर्स की फरमाइश पे आज हम होम टूर दे रहे हैं। बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स की डिमांड है कि आप होम टूर दे दो, किचन टूर दे दो वगैरह। तो उसके लिए आज हमने ये सिलेक्ट कर लिया कि आज चलिए आज आपको होम टूर दे देते हैं। अभी हमारा होम परफेक्टली कम्प्लीट नहीं है, लेकिन जितना भी हो सकता है, जो कुछ भी हमने किया है, वो आपसे हम शेयर करेंगे। ये रहा हमारा लॉबी का सेटअप। इसमें हमने यहाँ पे 3D वॉल वगैरह बनाया है। ये ऊपर का डेकोर भी किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इस वॉल पे पैनल है, बस LCD पैनल, नथिंग मोर। और उसके बाद उसके अलावा कुछ भी नहीं है अभी इस वाले सेक्शन में। और ये बाकी सेक्शन जो है, ये प्लेन हमने ऐसे रखे हैं। वो थोड़ा सा वहाँ पे कपबोर्ड है थोड़ी सी, इसमें कुछ चीज़ें वगैरह जो हमारी ज़रूरत होती हैं लॉबी में, जैसे रिमोट वगैरह हो गया, तो वो यहाँ पे रखते हैं। ये हो गया वॉश बेसन का सेक्शन, यहाँ पे जहाँ पे टाइल्स लगे रहे। सो गाइस, ये है वॉश बेसन, यहाँ पर हम वॉश बेसन रखते हैं। ये है हमारा वॉशरूम। और सो गाइस, यहाँ से है किचन। तो हम इस किचन को लास्ट में दिखाएंगे, पहले हम जाएंगे मेरे वाले रूम में। सो गाइस, देखिए, पहले हम स्विच ऑन करेंगे। सो गाइस, ये है मेरा रूम। यहाँ इसमें हम रखते हैं किताबें, जैसे कि आसान तर्जुमा कुरान। ये है इस्लामिक किताब। सो गाइस, इसमें दीनी किताब है जो मम्मा पापा और हम रोज पढ़ते हैं। अब रहा ये वाला सेक्शन, इसमें भी एक अलमीरा है। तो उसमें है महनूर के गिफ्ट्स वगैरह, जितने भी इसने मेडल आज तक जीते हैं वो सब इसमें लगे हुए हैं। आप देख सकते हो उसकी सर्टिफिकेट्स हैं जो इसने विन किए हुए हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स इसमें लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। ये है, इसमें महनूर ने ये ओलम्पियाड एग्जाम में किया था टॉप, तो वो सर्टिफिकेट है। यहाँ भी आप देख सकते हो, ये फर्स्ट रैंक है इसको स्टेट लेवल में, और जोनल स्टेट लेवल और वर्ल्ड लेवल जो है उसमें 595 रैंक है इसकी। ये इसने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वालिफाई किया था महनूर ने, तो ये उसकी कुछ सर्टिफिकेट है। ये मेडल जो उसने आज तक कहीं भी टॉप किया, कुछ भी मेडल मिला, तो ये वो सेक्शन है। ये रहा बाकी डेकोर का सेक्शन, आप देख सकते हो। तो ये है जी महनूर का रूम। यहाँ पर हम नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं। ये मैंने रखी है मुसल्ला, जिसपे मैं नमाज पढ़ती हूँ। तो गाइस, अब आप इस रूम का फाइनल व्यू चेक कर सकते हो। तो अब हम जाएंगे दूसरे रूम में। तो गाइस, ये है मेरी मम्मा का रूम। यहाँ पर है वार्डरूम, जिसमें हम कुछ कपड़े वगैरह रखते हैं, और इसमें है मम्मा की बुक्स। वो कर रही है MPhil एग्जाम को प्रिपेयर कर रही है वो। और ये है कुछ कप्स मम्मा पापा के। तो गाइस, ये रूम अभी कम इनकम्प्लीट है, अभी हमने इसमें लाइट्स नहीं लगाए हैं। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट रूम में। तो गाइस, अब हम आ गए हैं नेक्स्ट रूम में। ये है हमारा स्टडी रूम, इसमें भी कुछ वार्ड रूम्स हैं जिसमें हम कुछ बुक्स रखते हैं। अब महनूर पहुंच गई है स्टडी रूम में। ये है इनका स्टडी रूम, यहाँ पे अलमीरा कुछ है जिसमें ये बुक्स रख रहे हैं। ये सेक्शन में इनके बुक्स वगैरह हैं, और यहाँ पे ये स्टडी कर रहे हैं। स्टडी रूम मैं चाहती हूँ आप सब भी अपने घरों में रखो, क्योंकि स्टडी रूम एक अहम रूम होता है। हम मकान में बहुत कुछ रखते हैं, लेकिन स्टडी रूम नहीं रखते हैं, स्पेशली रखा करें बच्चों की खुशी के लिए। तो इसमें ये है इसके आउटसाइड व्यू वगैरह, अभी लाइट्स वगैरह इनकम्प्लीट है।
लाइट्स वगैरह हमने अभी नहीं लगवाए हैं, काम चल रहा है इसका तो। लेकिन ये है स्टडी रूम, यहाँ पे ये स्टडी कर रहे हैं। ये इनके बैग्स वगैरह और कुछ ड्रॉर्स हैं अभी हमने रखा हुआ है, ये आप देख सकते हो। इसमें भी कुछ सामान रहता है, ज्यादातर इनकी बुक्स रहते हैं, सारे ड्रॉर्स में इनकी बुक्स रहते हैं। तो कभी कभार जब कोई जरूरत पड़े तो हम एक्स्ट्रा चीज भी रख सकती हूँ, मैं कभी कभार रखती हूँ। अदरवाइज ज्यादातर इनके बुक्स ही रहते हैं इन ड्रॉर्स में। अलग अलग इन पे मैंने लेबल लगाई हुई है, इनको पता है हमारे बुक्स कौन सी बुक किस सेक्शन में है। तो ये यहाँ पे इस बेंच वगैरह लगे हैं, इन पे स्टडी कर रहे हैं, बैग्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे है। सो इसका ये फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। लाइट्स वगैरह इनकम्प्लीट है अभी, लेकिन हम नहीं चाहते थे इनकम्प्लीट टूर दे देना, लेकिन व्यूअर्स की फरमाइश पे हमें करना पड़ा, क्योंकि उनकी खुशी में हमारी खुशी है, इसीलिए हमने दे दिया ये इनकम्प्लीट टूर आज। तो चलिए अब नेक्स्ट रूम में चलते हैं। तो गाइस अब हम आ गए हैं हमाम में। हमाम विंटर्स में यूज करते हैं। इनके नीचे पत्थर लगे हुए हैं जो हमें गर्मी देते हैं। इसमें पेलिंग भी की हुई है और कुछ शेल्व्स भी है जिसपे हम कुछ सामान रखते हैं। तो गाइस आप बाहर का व्यू देख सकते हो, यहाँ पर स्टीमर है और नीचे चूल्हा है जिसमें हम आग जलाते हैं। तो गाइस हमाम अभी बहुत गर्म है क्योंकि आज सर्दी चल रही है, आज बहुत ही ठंड है, इसीलिए हम ज्यादातर आज हमाम को यूज करते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रूम में जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब महनूर जा रही है ऊपर की ओर, ये है फ्लोरिंग वगैरह की हुई है इस सीढ़ी पे, ये सीढ़ी हमारी ऊपर की ओर जा रही है। तो ये है नेक्स्ट स्टोरी, तो चलिए थोड़ा सा ऊपर आपको व्यू दिखा रहे हैं। सो गाइस ये आ गई मैं नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी का व्यू कुछ इस तरह से है। अगर आपको फुल स्टोरी का टूर चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, हम जरूर अपना सेकंड स्टोरी रूम के सेकंड स्टोरी टूर आपको पक्का देंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा कि आप हमें अपने फुल होम टूर दे दो, तो हम नेक्स्ट स्टोरी का देंगे। ये रहा बाहर आउटसाइड व्यू, आप चेक कर सकते हो यहाँ से बाहर का व्यू है। ये बाहर का व्यू है कुछ इस तरीके से। इस टाइम आज विंटर्स चल रहे हैं तो हर साइड बर्फ ही बर्फ, कहीं पे कीचड़ कहीं पे कुछ, तो इस तरीका का व्यू है बाहर, आप चेक कर सकते हो यहाँ। तो गाइस अब हम जा रहे हैं दूसरी एंट्री से, तो चलिए अब हम जाते हैं दूसरी एंट्री से जो जाती है किचन में। तो गाइस चलिए किचन में, ये है जी हमारा किचन। यहाँ पर हम बर्न रखते हैं और कुछ चीजें रखते हैं। यहाँ पर हम कप्स ग्लासेस, बहुत सारे व्यूअर्स ने कहा था स्पेशली किचन टूर हमें करा दो, तो इसीलिए आज हम किचन टूर दे रहे हैं। किचन हमारा कुछ इस तरीके से है, कुछ कैबिनेट्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, बर्नर इंडक्शन एज यूजुअल जो हर एक घर में होता है। ये है हमारा फ्रिज वाला सेक्शन, यहाँ पे मैं फ्रिज अपना रखती हूँ। तो ये है नीचे ट्रांसफार्मर वगैरह, वहां से मोटर वगैरह जो पानी सप्लाई होता है ये इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है, ये अलग से उसके लिए हमने फिट करवाया है। तो ये ऊपर कैबिनेट्स वगैरह जिनमें बर्तन वगैरह जब जो भी होता है घर में। तो अगर आपको कैबिनेट टूर चाहिए तो आप मुझे अलग से कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं आपको वन बाय वन करके कैबिनेट टूर भी दे दूंगी कि कैबिनेट्स किस तरह अरेंज करते हैं वगैरह। हो सकता है आपकी कोई ट्रिक मुझे काम आ जाए या मेरा कोई ऑप्शन आपको आपका कोई काम आ जाए। तो ये है जी हमारा फाइनल, ऊपर से आज हमने थॉरोली दिया है। साइड है अलमारी जिसमें मैं रखती हूँ बाउल्स वगैरह, कप वगैरह जो भी कैटलरी सिस्टम होता है, तो इसमें मैं वो एडजस्ट करके रखती हूँ। बाकी बर्तन वगैरह जो है और बड़े बड़े आइटम जैसे हो गया मिक्सर वगैरह को जो भी घर में होता है किचन में यूज, वो सब कैबिनेट्स के अंदर है। तो मैं इसका टूर अलग से करूंगी इंशाल्लाह, कैबिनेट्स का टूर। ये हमारे किचन का टूर, थॉरोली जो हमने ऊपर से आज दे दिया है। तो इस घर में जितना भी हमने टूर दिया है, फर्स्ट स्टोरी का टूर था ये, आज फर्स्ट स्टोरी का होम टूर था। अगर आपको चाहिए सेकंड स्टोरी का टूर भी तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर मेंशन करेगा, हम जरूर ट्राई करेंगे सेकंड स्टोरी का टूर भी आपको करवाएंगे। तो ये रहा आज का हमारा फाइनल सेटअप। सो गाइस ये था हमारा आज का होम टूर। अगर आपको पसंद आया सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।